एवरीवन, कार्ड एकेडमी की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। IDFC के लाइफटाइम फ्री कार्ड्स काफ़ी अच्छे हैं लाइफस्टाइल बेनिफिट्स के लिए, लेकिन ये कार्ड्स रुपए प्लेटफॉर्म पर अवेलेबल नहीं है, तो इसलिए आप इन कार्ड्स पर UPI पेमेंट्स नहीं कर पाते। लेकिन अब इसका सोल्यूशन आ चुका है और वो सोल्यूशन है IDFC डिजिटल रुपए कार्ड। तो इस कार्ड को ही आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, सो लेट्स बिगिन। तो जैसा कि नाम से पता लगता है कि ये एक कम्प्लीटली डिजिटल कार्ड है, आपको फिजिकल कार्ड नहीं इशू किया जाता और ये कार्ड आप तभी ले सकते हैं जब आपके पास कोई एग्जिस्टिंग IDFC का क्रेडिट कार्ड हो और उसी कार्ड की क्रेडिट लिमिट इस कार्ड के साथ शेयर की जाती है। और साथ ही साथ आप जो भी ट्रांजैक्शन इस कार्ड से करते हैं वो आपके एग्जिस्टिंग कार्ड अकाउंट में ही आएंगे, यानी कि सेम स्टेटमेंट में रिफ्लेक्ट होंगी। अब अगर हम इस कार्ड की ज्वाइनिंग और रिन्यूअल फी की बात करें तो वो है 199 रुपए प्लस टैक्सेस। एज सच कोई रिन्यूअल फी वेवर का क्राइटेरिया नहीं है इस कार्ड पर आपको एज वेलकम बेनिफिट इस कार्ड के इशू होने के 15 दिन में आपकी पहली 4 UPI ट्रांजैक्शन पर 100% कैशबैक अप टू ₹50 का बेनिफिट मिलता है। ये कार्ड एक्सक्लूसिवली UPI पेमेंट्स के लिए ही बना है, तो UPI पेमेंट्स में कैसे रिवॉर्ड्स मिलते हैं ये देखते हैं। तो आपको ₹2000 से कम की पेमेंट्स पर 1x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, ₹2000 या उससे ऊपर की ट्रांजैक्शन पर 3x रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलते हैं, यूटिलिटी एंड इंश्योरेंस स्पेंड्स पर आपको 1x रिवॉर्ड पॉइंट्स ही मिलते हैं और फ्यूल ट्रांजैक्शंस, EMI ट्रांजैक्शन पर आपको कोई रिवॉर्ड पॉइंट नहीं मिलेगा। अब समझते हैं कि आपको एक्चुअल में कितने रिवॉर्ड पॉइंट्स और क्या रिटर्न रेट मिलता है डिजिटल कार्ड पर। तो ये एक्चुअल में डिपेंड करता है कि आपके पास एग्जिस्टिंग कौन सा कार्ड है IDFC बैंक का। अगर आपके पास IDFC मिलेनिया या IDFC क्लासिक कार्ड है तो आपको UPI पर ₹2000 से कम की ट्रांजैक्शन पर हर ₹150 के खर्च पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और ₹2000 या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर हर ₹150 पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। और क्योंकि 1 रिवॉर्ड पॉइंट की वैल्यू 25 पैसा होती है, तो अगर आपके पास ये कार्ड है तो आपका रिटर्न ₹2000 से कम की UPI ट्रांजैक्शन पर अराउंड 0.16% हो जाता है और ₹2000 या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर 0.5% के अराउंड का रिटर्न मिलेगा। सिमिलरली IDFC सिलेक्ट कार्ड है आपके पास तो आपको ₹2000 से कम की UPI ट्रांजैक्शन पर हर ₹125 के खर्च पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और ₹2000 या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर हर ₹125 पर 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको ₹2000 से कम की ट्रांजैक्शन पर 0.2% का रिटर्न मिलेगा और ₹2000 या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर 0.6% का रिटर्न मिलेगा। अब अगर IDFC वेल्थ कार्ड है आपके पास तो आपको ₹2000 से कम की UPI ट्रांजैक्शन पर हर ₹100 के खर्चे पर 1 रिवॉर्ड पॉइंट मिलेगा और ₹2000 या उससे ज्यादा की UPI ट्रांजैक्शन पर हर ₹100 के खर्चे पर आपको 3 रिवॉर्ड पॉइंट्स मिलेंगे। तो आपको ₹2000 से कम की ट्रांजैक्शन पर 0.25% का रिटर्न मिलेगा और ₹2000 या उससे ज्यादा की ट्रांजैक्शन पर आपको 0.75% का रिटर्न मिलेगा। एक चीज नोट करें कि जो IDFC मिलेनिया, IDFC क्लासिक, IDFC सिलेक्ट और IDFC वेल्थ कार्ड्स पर एक स्पेंड थ्रेशोल्ड क्रॉस करने पर 10x पॉइंट्स मिलते हैं, उन स्पेंड्स में UPI पेमेंट्स नहीं कंसिडर की जाएंगी और आपको UPI पेमेंट्स पर 10x पॉइंट्स भी नहीं मिलते स्पेंड्स थ्रेशोल्ड क्रॉस करने के बाद। अगर आपके पास कोई IDFC का क्रेडिट कार्ड है तो आप सिंपली IDFC की वेबसाइट पर जाके ये कार्ड के लिए अप्लाई कर सकते हैं, तुरंत आपको ये कार्ड मिल जाएगा। और अगर आपके पास कोई IDFC का क्रेडिट कार्ड नहीं है तो आप डेफिनेटली IDFC के लाइफटाइम फ्री कार्ड्स जो कि हैं IDFC मिलेनिया, IDFC क्लासिक, IDFC सिलेक्ट और IDFC वेल्थ को कंसिडर कर सकते हैं। इन कार्ड्स पर आपको अच्छे बेनिफिट्स मिलते हैं जैसे कि रेलवे लाउंजेस, मूवी ऑफर्स, डोमेस्टिक एयरपोर्ट लाउंज और स्पा एक्सेस। साथ ही इन कार्ड्स पर पेमेंट ड्यू डेट तक इंटरेस्ट फ्री कैश विड्रॉल भी मिलता है। इनमें से कोई कार्ड लेने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक से अप्लाई करें और ये कार्ड मिलने के बाद आप डिजिटल रुपए कार्ड भी तुरंत ले सकते हैं UPI पेमेंट्स के लिए। यहाँ खत्म होती है ये वीडियो। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और अगर वीडियो पसंद आई लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही क्रेडिट कार्ड रिलेटेड वीडियोज देखने के लिए सब्सक्राइब करें कार्ड अकेडमी।